स्वच्छ होगा हमारा बिहार, स्वस्थ रहेगा बिहार, इस लक्ष्य के साथ बिहार सरकार जी जान से काम कर रही है। खुले में शौच से प्रदेश को मुक्त करने के लिए लोहिया स्वच्छ योजना पर काम चल रहा है और 1 अक्टूबर 2019 तक प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। लोहिया स्वच्छता योजना को लेकर बिहार सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। खुले में शौच से प्रदेश को मुक्त करने पर तेजी से काम चल रहा है। इसके लिए लाभुकों को 12,000 रुपए बतौर शौचालय निर्माण सरकार से मिलते हैं। बिहार सरकार ने पिछले 3 साल में तकरीबन 25 लाख घरों में शौचालय की व्यवस्था कराई है। इसमें साल दर साल के आंकड़े पर नजर डालते हैं। साल 2014-15 में 1,65,000 घर, साल 2015-16 में 4,27,000 घरों में शौचालय बने, साल 2016-17 में 8,73,000 घर और साल 2017-18 में अब तक लगभग 19 लाख घरों में शौचालय की व्यवस्था हुई है। बिहार के एक दर्जन जिलों में काफी तेजी से ODF का काम चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा भी शामिल है। इन एक दर्जन जिलों में नालंदा, पटना, रोहतास, शेखपुरा, सीतामढ़ी, मुंगेर हैं। वहीं बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, खगड़िया, गया और शिवहर भी इसमें शामिल है। सरकार का मानना है कि सिर्फ शौचालय बना देने से काम नहीं होगा, लोगों की सोच और आदत में बदलाव लाना जरूरी है। बिहार को बाहरी शौच से 2 अक्टूबर 2019 तक मुक्त करने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। लगातार इस क्षेत्र में काम हो रहा है और करीब करीब 30 लाख से ज्यादा शौचालय का निर्माण हो चुका है और 1,250 हमारे पंचायत भी ODF हो चुके हैं, 32 प्रखंड ODF हो चुके हैं, 1 अनुमंडल ODF हो चुके हैं और कई जिले ODF के कगार पर हैं। ये बदलते बिहार और बढ़ते बिहार की सोच है जो लोगों को स्वच्छता और सभ्यता के प्रति जागरूक कर रही है। नवजीत, Zee Media, पटना।